आज हम सब सोमेश्वर महादेव बड़े पवित्र क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। अभी आप सबने बालक बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। भारत में सनातन धर्म के अंतर्गत परमात्मा की पूजा में गीत वाद्य का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। पूजा केवल एक औपचारिकता ना रह जाए, पूजा के साथ साथ हम उसमें तन्मय होके अपने भावों को परमात्मा के सामने व्यक्त कर सके। परमात्मा नित्य प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको कुछ नहीं करना है। वो जो परमात्मा है अग जग में सब रहित विरागी सार्वभौम अस्तित्व में वो परमात्मा जो है छिपा हुआ है। परमात्मा का एक स्थूल स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है और जो उसका सूक्ष्म स्वरूप है वो छिपा हुआ है। वो जो परमात्मा है हमसे बिल्कुल दूर नहीं है, हमारे अंदर है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रकट होई जिमियागी। वो जो परमात्मा है वो प्रेम से प्रकट होता है। उस परमात्मा को पाने के लिए हमको साधन नहीं करना है, हमको उसको प्रकट करना है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। उसी को हमारे कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोए, बलिहारी बा घट की जा घट पर घट होए। वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान और हम दुखी हैं। वो जो आनंद में परमात्मा है, साधारण आनंद नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, उस आनंद की एक सीकर मतलब बूंद से भी स्वल्प मात्रा, आनंद की इतनी स्वल्प मात्रा से पूरे तीनों लोक आनंद का अनुभव करते हैं। हमारी पृथ्वी तो एक छोटा सा पिंड है, ऐसे असंख्य पिंड है। आज विज्ञान ने पाया है, उसका एक अनुमान है कि इस प्रकार के 4000 पिंड हैं जिन पे इस प्रकार का जीवन है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पे इस प्रकार के जीवन हैं, बदलते रहते हैं। वो जो परमात्मा है, इतना विराट परमात्मा और उसके आनंद की जो एक सीकर है, स्वल्प जल राशि है, उससे पूरे तीनों लोक में आनंद का अनुभव होता है। हमारे हिस्से में कितनी स्वल्प मात्रा आती है जरा आप विचार करो। अगर हमको वो आनंद का समुद्र मिल जाए तो फिर हम आनंद के लिए यत्र तत्र नहीं भटकेंगे। आज जो हम सब इधर उधर भटक रहे हैं, हम सुख शांति की खोज में सोचते हैं कि अमुक जगह सुख मिलेगा, अमुक जगह सुख मिलेगा। अधिकांश लोगों की एक धारणा है,
एक दास भाई, कि धन से सुख होता है, परंतु हमारे यहां कहा जाता है धनाधर्म, धन से धर्म हो और फिर धर्म हमको सुखी करेगा, धन सीधे हमको सुखी नहीं कर सकता। आप देखते हैं अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है परंतु वो सुखी नहीं हो सके। ऐसी एक वार्ता कही जाती है, नानक जी जब 1400 शताब्दी के अंतर्गत भारत की पुण्य भूमि में विराजमान थे, उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, नानकाना साहब जहां नानक जी का प्राकट्य हुआ, नानक जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने 25,000 स्वर्ण मुद्राएं चरणों में रख दी और निवेदन किया, गुरुदेव कुछ सेवा के लिए आज्ञा कीजिए। नानक जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, इस व्यक्ति को धन का मद है, धन जो है जब व्यक्ति को मदवाला बना देता है। आप जानते हैं हाथी जो है बड़ा सरल सीधा प्राणी है, परंतु जब उसको मद आता है उसके सिर पे से एक मद मतलब एक द्रव्य शरीर में से बहता है और वो इतना मतवाला हो जाता है, इतना मतवाला हो जाता है, इतना उन्मत्त हो जाता है कि अपने महावत को भी कुछ नहीं समझता, मालिक को भी कुछ नहीं समझता। ऐसी बहुत बार दुर्घटनाएं हुई हैं कि मतवाले हाथी ने अपने मालिक को ही समाप्त कर दिया। वैसे वही हाथी, अगर आप सब ने कभी देखा ना हो पर टीवी पे तो देख सकते हो, दक्षिण भारत में गुरुवायूर तीर्थ है, बड़ा पवित्र तीर्थ है, गुरु और वायु के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, छोटा विग्रह है, स्थापित किया, परंतु चैतन्य है, विग्रह चैतन्य है, उपासना के द्वारा विग्रह में दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। तो वहां लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं तो लोग हाथी चढ़ाते हैं। अभी तो जयललिता नहीं रही है, परंतु उसका जब कार्य सिद्ध हो तो एक हाथी, तो वहां हाथी बहुत बहुत हाथी, और उन हाथियों को एक दिन विशेष पर्व पे दौड़ाया जाता है और लोग ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे लंबे लंबे लेट जाते हैं, बहुत दूरी तक लेट जाते हैं, हाथी उनके ऊपर से निकलता है और किसी के शरीर पे पैर नहीं पड़ता। अगर किसी के शरीर पे हाथी का पैर पड़ जाए तो उसकी क्या मतलब, कचुंबर निकल जाए। वो हाथी जब मतवाला हो जाता है, मत चढ़ जाता है, तो भयंकर रूप धारण कर लेता है, फिर वो अपने बस में नहीं रहता, किसी के बस में नहीं रहता। तो नानक जी ने देखा कि इस व्यक्ति को धन का मद है, बहुत मतवाला हो रहा है। उन्होंने कहा बस ये सुई ले जाओ, एक सुई दी और कहा कि जब
तुम्हारे शरीर का अंत हो जाए, मतलब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाद इसको लौटा देना। गुरुदेव का प्रसाद समझ के उस सुई को लाके पूजा के स्थान में रख दिया। विचार करने लगा, गुरुदेव ने कहा है मृत्यु के उपरांत इसको लाके दे देना, और ये तो एक परम सत्य है, जीवन में कुछ घटे या ना घटे, एक सत्य अवश्य घटित होने वाला है, जातशी ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। विचार करने लगा कि मृत्यु तो आएगी, जरूर आएगी, परंतु मृत्यु के उपरांत इस सुई को गुरुदेव को कैसे दूंगा मैं? अब जिसने इतना धन कमाया है, बुद्धि तो बहुत तिकड़म वाली होगी। बहुत सोचने लगा, थक गया सोचते सोचते, परंतु कोई युक्ति समझ में नहीं आती कि उस सुई को लौटाया जा सकता है, दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुदेव के चरणों में जाके पड़ गया, नानक जी के चरणों में पड़ गया, निवेदन किया कि गुरुदेव ये सुई मृत्यु के उपरांत में नहीं लौटा सकता है, क्योंकि मृत्यु जो है हमारा सब कुछ छीन लेती है, हमारा सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाता है, जितना भी ये वैभव दिखाई दे रहा है, आदि भौतिक संपदा दिखाई दे रही है, सब छिन जाने वाला है, मैं इसको साथ में नहीं ले जा सकता। नानक जी ने कहा, वत्स फिर तुम इस धन का क्यों मत करते हो कि मेरे पास इतना धन है, ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, या तो तुम इसको छोड़ोगे नहीं तो ये तुमको छोड़ देगा, दोनों में से एक ना एक घटना घटित अवश्य होगी, जो हमारा साथ नहीं देने वाली वो संपदा नहीं है, वो विपदा है, परंतु वही धन अगर हम उसका सदुपयोग करें तो वो धन हमारे लिए कल्याणकारी भी हो सकता है, परंतु केवल धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार अच्छा हो, अनुकूल पत्नी हो, बच्चे अनुकूल हों, आज्ञाकारी हों, सेवा भाव वाले हों, सदाचरण वाले हों तो सुखी हो सकते हैं, परंतु आप सब विचार करो, एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, सब कुछ अनुकूल है, उसके पास एक समाचार आता है कि अमुक जगह इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, और तुम्हारा जिसके साथ उसका बहुत लगाव है, उसका इस प्रकार से दुर्घटना के द्वारा शरीर पूरा हो गया, वो परिवार, वो जो सुख संपदा के साधन हैं वैसे के वैसे हैं, परंतु उसका सुख चला जाता है, हमारे ऋषि महर्षियों ने उस सुख को पाया जो देश काल वस्तु के अधीन नहीं है, उस सुख का आप सबको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी प्रगाढ़ नींद में ना सोया हो, प्रगाढ़ नींद जिसको हम सब योग की भाषा में सुषुप्ति कहते हैं, स्वप्न अवस्था में हमारा मन विशुद्ध चक्र में रहता है,
और सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन हृदय स्थान पर रहता है। योगियों का हृदय आज्ञा चक्र के ऊपर है, वो जो अंगुष्ठ प्रमाण का परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, हृदय देशे तिष्ठति, वो हृदय देश आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार्थ के वहां अंगुष्ठ प्रमाण का। वैसे तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु उसमें विशेष रूप में रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन जो है उसमें स्थित हो जाता है। और आपको मालूम है, जब आप प्रगाढ़ नींद में सोते हो उस समय आपको ये नहीं मालूम होता कि हम किस राष्ट्र में हैं, किस नगर में हैं, किस ग्राम में हैं, किस रूम में हैं, और हमारे निकट कौन सो रहा है, कुछ नहीं ख्याल होता। और उसके बाद जब आप जागते हो, बहुत अच्छी नींद आई आज तो, बड़ा अच्छा। अगर वो नींद कुछ दिन तक ना आए, कोई भी वस्तु का मूल्य जब समझ में आता है जब उसका अभाव होता है। ये प्रकृति हम सबके जीवन में अभाव क्यों पैदा करती है, उसका मूल्य हम समझें। आप देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति संतान से रहित है, कोई धनाभाव से पीड़ित हो रहा है, कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, क्यों? प्रकृति अभाव पैदा करती है। प्रकृति का एक नियम है कि जिस वस्तु का हम सदुपयोग करते हैं प्रकृति उसको और देती है, और देती है। जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति वो छीन लेती है। हमने किसी भी वस्तु का सदुपयोग किया तो प्रकृति को लगता है कि ये इसका सदुपयोग करेगा, देते थे। परंतु जब हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते, हम उसका दुरुपयोग करने लगते, तो प्रकृति छीन लेती है। जिन व्यक्तियों को प्रगाढ़ नींद नहीं आती वो लोग जानते हैं कि उसके बिना जीवन कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। कुछ दिन में तो फिर विक्षिप्त होने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये प्रगाढ़ नींद में क्या घटना घटित होती है? अगर आप सोने जा रहे हो, उस स्थिति में आपको कोई जगा दे, आप नींद में प्रवेश करना चाह रहे थे, आप अनुभव कर सकते हैं कि एक महावायु जो है ऊपर से नीचे उतरती हुई नजर आती है। बहुत गहराई से जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस बात को समझ सकते हैं। ये जो हमारे अंदर चिति शक्ति है, जिसको कुंडलनी शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसी चिति शक्ति को अनेक प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार के योग हैं, अष्टांग योग है, सुरत योग है, लय योग है, अनेक योग, उन फिर हठयोग की कुछ ऐसी विशेष प्रकार की क्रियाएं हैं, भैरण संहिता में इनका उल्लेख है, गोरक्षनाथ हठयोग में बहुत आगे बढ़े। हमारे जगत गुरु भगवान श्री स्वामी जी महाराज, जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी भक्ति योग के द्वारा जो चिति शक्ति है, कुंडलनी शक्ति है, उसको सहस्त्रार्थ तक पहुंचाया। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी का एक अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र है, उसमें स्वामी जी कहते हैं
त्रिकुटी बीच ब्रह्मचीनो, वो जो चिति शक्ति मूलाधार से छह चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में प्रवेश करती है, तो वहां ब्रह्मानुभूति होती है, उस परमात्मा की अनुभूति होती है। और प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति सुषुप्ति के समय मन वहां पहुंचता है और उस स्थिति में रहता है। अब इसमें समस्या क्या है? वो हमारी मन बुद्धि की जड़ अवस्था है। अगर हम ऐसी स्थिति को जागृत में पा जाएं, जागृत में अगर हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, तो वो जो आनंद है जिसको हम समझ नहीं पाए, जो अनुभव करने वाली बुद्धि है वो जड़ अवस्था को प्राप्त हो गई है। मन हमारा जड़ अवस्था को प्राप्त है। कैसे अनुभव होगा? दुख सुख का अनुभव मन करता है भाई। शरीर में कहीं भी पीड़ा होती है, हमारे सामने डॉक्टर संजय बैठे हुए हैं, संजय भाई जानते हैं, जब सर्जरी करनी होती है तो किसी भी अंग में उसका संबंध विच्छेद सिनाइयों का करके सर्जरी आसानी से कर दी जाती है, उतना अंग जो है शून्य हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता। अनुभव करने वाला हमारा मस्तिष्क है, मन बुद्धि है, वैसे तो अभी चाइना में, चीन में एक एक्यूपंचर के द्वारा भी सर्जरी की जा रही है। शरीर में बहुत से स्थान ऐसे हैं, यहां भी हैं बहुत से स्थान, जहां सुई चुभो दी जाती हैं और उसके बाद हमको मालूम नहीं पड़ता। एक महात्मा जी अवधूत बाबा, अभी ग्वार आश्रम के पास भी उनका आश्रम बन गया है, अवधूत आश्रम, और तो उनके बड़ी सुइयां चुभो रखी थी। हमने पूछा, अरे बाबा ये क्या चक्कर है? कहने लगे कि ये बहुत, जब पीड़ा होती है बहुत कष्ट होता है तो ये एक्यूपंचर कर दिया जाता है और थोड़ा राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो हमारे संत महापुरुषों ने हमको जीवन में वो कला सिखाई है, हम किसी भी परिस्थिति में दुख की कितनी ही भयंकर से भयंकर घटना घटित हो, हमारा मन चंचल ना हो, हम अपने आप में समत्व रख सके। भगवान श्री राम एक दिन पहले संध्या समय महाराज दशरथ ने घोषणा की कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, भरी सभा में घोषणा, और सभी सभासदों ने एक मत से उसका समर्थन किया। दूसरे दिन घटनाचक्र बिल्कुल बदल गया, का न करे अबला प्रबल के जग काल न खाए। हमारे यहां नारी शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, वो चाहे तो तीनों लोक के साम्राज्य को विध्वंस कर दे, और वो चाहे तो तीनों लोक में सुख शांति का वातावरण पैदा कर दे। परमात्मा ने नारी को जो बनाया है, एक अपूर्व परमात्मा की कृति है, अपूर्व कृति है। हमारे यहां उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, महिला। मही यानी पृथ्वी का लावण्य, पृथ्वी का सौंदर्य, पृथ्वी का सौंदर्य। तो वो हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। माता केकई के द्वारा
मंथरा ने जो उनकी बुद्धि को बदल दिया। और वैसे इसका वर्णन सांकेत एक मैथिल शरण गुप्त राष्ट्रकवि भारत के राष्ट्रकवि हुए, उन्होंने सांकेत एक ग्रंथ लिखा है, बड़ा पवित्र ग्रंथ है, अच्छा ग्रंथ है। तो उसमें माता केकई की ऊपर मंथरा का क्या प्रभाव पड़ा, जब मंथरा ने बताया कि देखो कौशल्या जो है राम की माता है और तुम भरत की माता हो, प्राचीन समय से सोतिया डहा ईर्ष्या चली आ रही, आज तो भक्तों में भी ईर्ष्या होती है, एक भक्त सेवा में आगे क्यों बढ़ रहा है या उसको अवसर क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अरे बाबा भजंति हीन मत्सरा। अत्रि जी कहते हैं, भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं, जो मात्सर्य को छोड़ के भजन करते हैं, सेवा में मात्सर्य नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, अरे करने दो ना भाई, तुम भी आगे बढ़ो, दूसरा बढ़ रहा है तो क्या आपत्ति है, उसकी टांग पकड़ के क्यों खींच रहे हो, सब बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, टांग पकड़ के खींचने की जरूरत। तो ईर्ष्या के कारण कि और अहमता ममता के कारण माता केकई के विचार कि राम जी राजगद्दी पे बैठेंगे, लक्ष्मण जी जो हैं उनकी सेवा में रहेंगे, भरत जी को बंदी गृह में जाना पड़ जाएगा, और तुम अगर दासी बन के सेवा करोगी तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारी भी दुर्दशा होगी। माता केकई को बहुत, बस ये जो शब्द हैं ये परेशान करने लग गए, कहा नहीं मैं किसी का दासित्व नहीं स्वीकार कर सकती, मेरा बेटा भरत बंदी गृह में रहे ये मेरे को स्वीकार नहीं, स्वीकार जो हो परंतु इस को बदलना ही होगा, और बदल दिया गया। तो भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राज पद पे अभिषिक्त होने का उनको आनंद नहीं आया, उनको प्रसन्नता नहीं मिली, और वन में जाने से मन म्लान नहीं हुआ, दोनों स्थितियों में सम रह गए, दोनों स्थिति। एक संत विभीषण भरी सभा में रावण के द्वारा तिरस्कृत होते, भरी सभा में रावण के द्वारा तिरस्कृत होते, दूसरा व्यक्ति होता विभीषण के अतिरिक्त प्रतिशोध की भावना पैदा होती कि इसने मेरा भरी सभा में अपमान किया है, बड़ा भाई तो क्या है, परंतु मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं एक प्रतिष्ठित लंका का व्यक्ति और भरी सभा में मेरी ऐसा अवमानना कर दी गई, मेरा अपमान कर दिया गया। भगवान की शरण में जा रहे हैं, परंतु देखें जाई चरण जल जाता, भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान के चरणों का दर्शन हो रहा है, उनका चित्त उद्विग्न नहीं है, संत है, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आनी, हम संतों को क्यों पूछते हैं, ये विषम परिस्थिति में कठिन परिस्थितियों में अपने आप में उद्विग्न नहीं होते, इनका चित्त शांत बना रहता, कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं, प्रारब्ध है, हमने जो पूर्व में खेत में बीज बोए हैं उनकी फसल तो हमको ही मिलने वाली है, हर एक व्यक्ति चाहता है
कि उसके खेत की फसल उसको मिले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी फसल नहीं चाहेगा? हम तो बीमा भी कराएंगे कि फसल का बीमा होना चाहिए, भाई हमारी फसल जानी नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं। हमने जो कर्म किए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोए बीज हैं, भवे सो लवे निदान। ये शरीर रूपी खेत में मन वचन कर्म, ये तीन किसान खेती कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के बीज हैं, पाप पुण्य दोए बीज हैं, भवे सो लवे निदान। जिस प्रकार से बोएंगे उसी प्रकार का परिणाम आने वाला है। कर ही पाप पाप ही दुख, भय रुज शोक वियोग। हम पाप करते हैं, दुख आता है, कारण कुछ भी हो, किसी से भयभीत होके आ जाए, रोग के कारण आ जाए, किसी का वियोग हो जाए, कारण कुछ भी बने, परंतु मूल में दुख अगर आया है तो वह हमारे पाप का दुष्परिणाम है। और ये जो संत महापुरुष है, और परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं, वैसे तो परमात्मा अपने आप में सदैव ज्योतियों काल एक रस रही, अपरिवर्तनशील, परंतु भूमंडल पे अवतरित होके दिखा देते हैं हम तुम्हारे जैसे मानव हैं, मानव बन के आते हैं परमात्मा, रामकृष्ण के रूप में आते हैं। और हमारे भारत में जितनी अधिक उपासना रामकृष्ण की होती है, परमात्मा के दूसरे रूपों की नहीं होती। वैसे परमात्मा ने अनंत रूप धारण किए और आज भी परमात्मा का अवतार हो रहा है। कोई भक्त है, एकाग्रचित होके निष्ठापूर्वक साधना में लगा हुआ है, उसको इच्छा है कि हमारे प्रभु का साक्षात्कार हो। भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं देते, भगवान का अवतार होता है, भगवान के अनंत अवतार हैं। परंतु जितनी उपासना रामकृष्ण की, हाँ वैसे तो श्री आंजने श्री हनुमान जी महाराज, राम ते अधिक राम कर दासा, उनकी उपासना उनसे भी ज्यादा हो जाती है। उनके पीछे कुछ कारण है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। वो जीव को परमात्मा से भी मिला देते हैं और ऐश्वर्य संपदा भी भर देते हैं। हमको यही चाहिए कि हमारा परमात्मा के साथ भी तदात्म्य हो, परमात्मा भी हमको प्राप्त हो, और धन वैभव ऐश्वर्य सुख संपदा भरपूर हो। हम भी ये चाहते हैं, सब ये चाहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि संत जो हैं, विषम परिस्थिति हो, शरीर का प्रारब्ध है, रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित थे, बहुत से संतों को भयंकर रोग आए हैं, परंतु जब परमात्मा के ध्यान में डूबते हैं तो उनको शरीर का भान नहीं रहता। मन तहां जहां रघुवर बैदेही, मन तो वहां है जहां परमात्मा है, और बिना मन के शरीर का दुख सुख अनुभव में नहीं आता है। तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमको जीवन में उस कक्षा में पहुंचना है जहां विषम परिस्थितियां बनने पर भी हम अपना संतुलन न खोएं, हम समत्व में स्थित रहें, हमारा चित्त उद्विग्न ना हो जाए, हम अपने आप में परेशान ना हों। और उसके लिए साधना की जाती है। ये जो साधना की जा रही है उसके पीछे वही लक्ष्य है कि हम उस कक्षा में पहुंच जाएं, उस स्थिति में पहुंच जाएं। दुख सुख तो आएगा, ऐसा नहीं है। ये जितना भी
सृष्टि का विस्तार किया गया है। यह द्वंद्वमय सृष्टि है। हम गुरु को द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, केवल गुरु जो है, संत जो है, परमात्मा जो है, वो द्वंद्वातीत है और सारी सृष्टि द्वंद्व में है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये सब द्वंद्व है, सब द्वंद्व है। सारी सृष्टि द्वंद्व में है। और कबीर साहब कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में आए के सावत बचाना हुए। ये द्वंद्व की जो चक्की चल रही है, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, ये दो पार्ट हैं, इसमें हम सब पिस रहे हैं। दो पाटन के बीच में आए के सावत बचाना हुए। पर कबीर साहब का चेला, शिष्य कहो, पुत्र कहो, जो कुछ कहो, कुछ ऐसी वार्ता कही जाती है, एक शब्द बहता आ रहा था, कुछ लोगों ने उसको किनारे पे लगा दिया, कबीर साहब के सामने लाके रख दिया, गंगा में बहता आ रहा। कबीर साहब से प्रार्थना की कि महाराज, असमय में इसका देहावसान हो गया, इसका शरीर का प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ, आप कृपा करें, इसको जीवन दान दे दें। जीवन, कहा जाता है, कबीर साहब ने कहा, परमात्मा की आज्ञा से जीवित हो जा, वो जीवित हो गया। लोगों ने कहा कमाल है, कमाल है, कमाल है, तो उसका नाम कमाल हो गया। जो भी हो, हमें उससे कुछ नहीं, कुछ कहते हैं पुत्र है, कुछ कहते हैं कि शिष्य है, वो कमी कमाल जो है हंस रहा था। कबीर साहब ने कहा, संसार रो रहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, हमको इनकी दयनीय स्थिति को देख के दुख हो रहा है, और तुम हमारा उपहास कर रहे हो, हंस रहे हो, क्या बात है। कहा साहेब, मैं देख रहा हूं, आप कहते हो साबत बचाना कोई, परंतु देख रहे हैं कि इसकी जो धुरी है, जिसके आधार पे ये चाक चल रहा है, चक्की का चाक, घंटी का चाक चल रहा है, उसकी धुरी को पकड़ने वाले दाने जो हैं वो नहीं पिसते हैं, वो नहीं पिसते हैं, और जो उसके ऊपर से निकल जाते हैं कूद के, वो भी साबत बच जाते हैं। आपके तो साबत बचाना कोई, हम तो देख रहे हैं साबत बचने वाले बच गए। इन द्वंद्वों से केवल वही व्यक्ति बच सकेंगे जिन्होंने परमात्मा की शरणागति स्वीकार की है, जो परमात्मा के हो गए, जिन्होंने पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पण कर दिया है, उनके अंदर से समर्पण का भाव भी निकल गया है। मैं समर्पित नहीं हो सकता, मैं शरणागति नहीं स्वीकार कर सकता, परमात्मा ने कृपा करके मेरे को अपना लिया है, जो उस कक्षा में पहुंच गए हैं वो साबत बच रहे हैं, वो मतलब द्वंद्वों से रहित है। उनके सामने कितने ही द्वंद आए, वो शांत रह सकते हैं। तो हमको उस स्थिति में पहुंचना है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। गुरु कभी ये नहीं चाहते कि शिष्य शिष्य रह जाए। गुरु का गौरव इसी में है, गुरु का गुरुत्व इसी में है कि शिष्य जो है वो हमसे आगे निकल जाए। कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही रह गए और चेला हो गए। तो वैसे कोई जो सद्गुरु हैं, उनके मन में ऐसा नहीं होता कि शिष्य उन्नति ना करे,
जो तथाकथित लोग होंगे उनकी हम बात नहीं करते, उनकी बात नहीं करते। तो हम सबको उस स्थिति में पहुंचना है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना पैदा हो, हम अपने आनंद के स्वरूप में स्थित रहें, वो आनंद हमसे छीन ना लिया जाए, कोई भी घटना ऐसी घटित ना हो जिसके कारण हम अपने आप में विचलित हो जाएं। हो सकता है जब अनेक संत उस कक्षा में पहुंचे हैं, हमारे गुरुदेव पहुंचे हैं, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम भी वही हाड़ मांस का शरीर, पंच महाभूत का शरीर, केवल उन्होंने जिस भी प्रकार से साधना करके गुरु कृपा प्रसाद से या जो भक्ति प्रसाद से इष्ट कृपा से किसी भी प्रकार से उस स्थिति को पाया है, तो हम भी पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। और उसी ध्येय को लेके, उसी को लक्ष्य रख के हमको जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कहते कि आप धन उपार्जन नहीं करो, आप संसार के सब कार्य करो, परंतु ध्येय लक्ष्य, जिस प्रकार से आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हो तो आप रास्ते में रुकते हो, भोजन करते हो, सोते हो, सब कुछ कार्य करते हो, परंतु दृष्टि रहती है लक्ष्य पे। इसी प्रकार से हमारे जीवन की एक धारणा होनी चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको उस कक्षा में पहुंचना है कि जहां कठिन से कठिन परिस्थिति हमको चलायमान ना करे, हमको चलायमान ना करे, हम अपनी स्व स्थिति में, अपने स्वरूप में रह जाएं। इसीलिए साधना करनी है, और साधना में शरणागति तो आप सब जानते ही हो, शरणागति के साथ साथ हम गुरु आज्ञा का पालन करें, संतों की आज्ञा का पालन करें, उन्होंने जो हमको आदेश दिया है उसका हम पालन करें। अगर हमारी निष्ठा आदेश पालन में है तो आप पाएंगे, हम हमेशा कहा करते हैं, शिष्य गुरु आज्ञा से साधना का जो गौरी शंकर शिखर है वहां तक पहुंचा है। आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब की वही स्थिति है। कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं कि हमने कभी कागज पेन छुआ नहीं, स्याही कलम छुआ नहीं, और इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचे। तो ये जो टोटकाचार्य की हम बात बता रहे थे, टोटकाचार्य गुरुदेव के वस्त्र धोने गए हुए थे, गुरुदेव स्नान करके आए, पहले संत स्नान करके आते थे, उनके शिष्य जो हैं वो वस्त्र इत्यादि धोते थे। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, भगवान श्री राम की जो विश्वामित्र जी के साथ की यात्रा है, गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। रामचरितमानस जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, और उसके एक एक प्रसंग जो है हमको जीवन में कौन सा कार्य किस प्रकार करना चाहिए वो सब सिखा देगा, वो सब सिखा देगा। तो हम ज्यादा समय नहीं जल्दी पूरा कर रहे हैं, तो टोटकाचार्य जो हैं वस्त्र धो रहे थे, गुरुदेव इंतजार कर रहे थे, तो उसे शिष्यों ने कहा, गुरुदेव वो बेचारा अनपढ़,
आपके गूढ़ रहस्यों को क्या समझ पाएगा? आप जो ये अत्यंत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो गूढ़ तत्व है और उसको समझा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा शांति शांति। तब तक वो तोटक छंदबद्ध श्लोक बोलते हुए चले आ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं। हमारे यहां तो कालिदास वज्रमूर्ख जिस पेड़ पे बैठ के कुल्हाड़ी चला रहे थे, जिस शाखा पे, तो ऐसे ऐसे मूर्ख वज्रमूर्ख। एक विजयनगर के राजा अपने राज के महल की छत पे घूम रहे। गुरु मंत्री और राजा में वार्तालाप हो रहा था। मंत्री कह रहा था परमात्मा जो है सर्व समर्थ है, कर्तुम अनेथा अकर्तुम, जो असंभव है उसको भी परमात्मा संभव कर सकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, तिनके को वज्र बना सकते हैं, वज्र को तिनका के समान कर सकते हैं। तब तक दृष्टि पड़ी एक लड़का जो है, एक बालक, छोटा बालक, जूता हाथ में, एक पैर में जूता और एक हाथ में जूता लेके चला जा रहा। राजा ने कहा इस बालक को बुलवाओ। सेवक को आज्ञा दिए, तुरंत उसको ले आए। बेटा ये जूता एक हाथ में क्यों लेके चल रहे हो? कहा कि मम्मी ने तेल लेने के लिए भेजा था, हमारी माँ ने तेल लेने के लिए भेजा था, तो पात्र तो हमारे पास कोई नहीं था, खाद्य तेल, खाने वाला तेल, हमने सोचा जूते में रख ले। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, कहा कि क्या ये मूर्ख विद्वान हो सकता है? अवश्य का, ठीक है, अगर ये हो गया तो हम मान लेंगे कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ। मंत्री ने पूछा बेटा क्या नाम है? कहा महीधर। ठीक, चलो हमारे साथ। कहा जाता है नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाई गई। नरसिंह भगवान ने, जब कोई रास्ता नहीं था मृत्यु के लिए, हिरण्याकशिपु ने कोई रास्ता नहीं रखा था, दिन में मरे ना रात्रि में मरे, घर में मरे ना बाहर मरे, अस्त्र से ना शस्त्र से, यहां तक कि ब्रह्मा की जो भी सृष्टि है उसमें जितने भी जीव जंतु हैं किसी के द्वारा नहीं मारे थे, तो भगवान को नरसिंह रूप आना पड़ा। और नरसिंह भगवान केवल भक्त के लिए आते, उसके अधिक दूसरा कोई कार्य उनको नहीं करना है। भक्त पे कष्ट आया, भक्त संकट में आया, उसके संकट को दूर किया और भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी। तो नरसिंह भगवान का मंत्र दिलाया। पहले रामानंदी वैष्णव जो हैं ये नरसिंह मंत्र का बहुत जप किया करते थे। पहारी जी महाराज कुल्लू, वहां के उनकी गुफा पे नरसिंह भगवान की मूर्ति अभी भी है। ऐसे ऐसे हमारे रामानंदी संत हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब राम जी को नजर लग गई तो गुरु वशिष्ठ जी के पास ले जाया गया और गुरु वशिष्ठ जी ने नरसिंह मंत्र से उनको झाड़ दिया। जो भी है, तो बाद में वही बालक बहुत विद्वान हुए और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत की टीका की, और वो टीका जो है विद्वत समाज में बहुत अधिक सम्मान पाए। तो कहने का मतलब ये है, केवल निष्ठा, गुरु आज्ञा पालन, गुरु सेवा साधना, स्वेच्छाचारी साधना नहीं,
अगर हम सब करें तो हम जीवन के उस परम ध्येय तक पहुंच सकते हैं, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जहां अखंड आनंद का साम्राज्य है, अखंड आनंद के समुद्र है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। और उसी के लिए भगवान ने जीवन दिया है। वैसे तो 6 बजे तक का समय था, अभी रामायणी जी महाराज विराजमान हैं, तो इनके वचनामृत जरूर हम सब श्रवण करें और अपने आप को कृतार्थ करें। जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।